गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक है इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति। तो आखिर इसके बारे में जाना है कि मुद्रास्फीति क्या है, व्हाट इज मीन बाय द इन्फ्लेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूल्यों मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन सामान्यतः परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात परिवर्तनशील प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो मुद्रा मूल्यों में परिवर्तन का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन की अधिक तीव्रता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ा प्रभाव डालती है। मुद्रा के मूल्य कम होने का अर्थ है देश में मुद्रा स्फीति की दशा उत्पन्न होना। इस स्थितियों में वस्तुओं के मूल्य सामान्य रूप से बढ़ जाते हैं। यदि मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति अधिक तीव्र है तो यह देश के नागरिकों के लिए इसे कष्टकारी कहा जाए। व्यक्तियों की आय में बहुत क्रमबद्ध बढ़ोतरी होती है या वृद्धि होती है, जबकि सामान्य वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाती है। इस स्थिति में लोगों का जो व्यक्तिगत बजट है वो बिगड़ जाता है और लोग कष्ट का अनुभव महसूस करते हैं। इसके विपरीत में जाएं या इसके उलट में हम लोग देखें तो यहाँ यदि सामान्य वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट होती है तो मुद्रा का मूल्य तो बढ़ जाता है, लेकिन निवेशकों के गिरते निवेश के कारण देश का उत्पादन स्तर और आय का स्तर गिरने लगता है और इस स्थिति को मुद्रा संकुचन कहा जाता है या मंदी की स्थिति कहा जाता है। तो यहाँ अर्थशास्त्रियों का एक विचार ये भी है कि मुद्रा स्फीति तो कुछ समय के लिए सहन की जा सकती है, लेकिन मंदी काल या मुद्रा संकुचन की स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभ से ही ठीक नहीं कही जा सकती, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मत है। अब मुद्रा स्फीति के संबंध में देखिए, यहाँ कुछ अर्थशास्त्री जिनमें कि हम लोग बात करते हैं, फ्रिडमैन की बात करते हैं या क्राउथर की बात करते हैं या कैमरर की बात करते हैं या हार्टरे की बात करते हैं, तो यहाँ मुद्रा स्फीति को एक विशुद्ध मौद्रिक घटना मानते हैं। जबकि प्रोफेसर कीन्स हैं, बेंसन है, बेंट है या विक्सेल हैं, ये सब अर्थशास्त्री इस स्थिति को मांग का आधिक्य का परिणाम मानते हैं। प्रोफेसर पीगू और प्रोफेसर कीन्स की व्याख्या के अनुसार मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति कीमतों में होने वाली वह वृद्धि है जो पूर्ण रोजगार की अवस्था में पहुंचने के बाद पैदा होती है। ये अर्थशास्त्री सदैव ही कीमतों में होने वाली वृद्धि को मुद्रा स्फीति नहीं मानते। मुद्रा स्फीति के बारे में कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं क्राउथर की परिभाषा के बारे में। जैसे क्राउथर ने बताया कि उस स्थिति को मुद्रा स्फीति कहा जाएगा जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। दूसरा, मिल्टन फ्रिडमैन के अनुसार कीमतों में स्थिर रूप से एवं लगातार होने वाली वृद्धि जो है वो मुद्रा स्फीति कहलाती है, ऐसा विचार जो है मिल्टन फ्रिडमैन ने रखा है। तीसरी परिभाषा जो हमारे सामने आती है हार्टरे के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उसमें कहा गया वह स्थिति जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन होता है उसे हम लोग मुद्रा स्फीति कहते हैं। तो प्रोफेसर कीन्स पूर्ण रोजगार स्तर के पूर्व कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि को आंशिक मुद्रा स्फीति कहते हैं या अर्ध मुद्रा स्फीति कहते हैं। पूर्ण रोजगार स्तर तक को कीन्स खुली मुद्रा स्फीति कहते हैं, इसे ही उन्होंने वास्तविक मुद्रा स्फीति भी बताया। प्रोफेसर कीन्स इसका कारण यह बताते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग अर्थात जिसे इफेक्टिव डिमांड के बढ़ने पर भी वस्तुओं के उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन के सभी साधन अपने काम पर लगे रहते हैं। स्फीति को परिभाषित करते हुए डिलार्ड ने तो यहाँ तक कहा कि वास्तविक मुद्रा स्फीति तब उत्पन्न होती है जब वर्तमान कीमतों के आधार पर पूर्ण रोजगार की अवस्था में उपभोग
तथा पूंजीगत पदार्थों के लिए प्रभावपूर्ण मांग कुल उत्पादन के मूल्य से बढ़ जाता जाती है। तो डिलार्ड का ऐसा विचार था। अब हम लोग बात करते हैं कि मुद्रा स्फीति के रूप कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो फॉर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो मुद्रा स्फीति के दो आधार हैं, एक तो कारणों के आधार पर बात करते हैं और दूसरा कभी कभी परिस्थितियों के आधार पर। ये दो कारण होते हैं मुद्रा स्फीति के। तो यहाँ पहले हम लोग बात करते हैं कारणों के आधार पर। जब हम बात करते हैं तो कि विभिन्न कारणों से देश में मुद्रा प्रसार होता है, इसमें पहली स्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है कि हीनार्थ प्रबंध की बात सामने आती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करते हैं। तो अधिकतर देशों में क्या होता है कि सरकार का व्यय उनकी आय से अधिक होता है। अधिक अल्प विकसित देशों में संरचनात्मक एवं निर्माणी कार्यों की अधिकता और इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें कि बढ़ती जनसंख्या के कारण सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक होता चला जाता है। ऋण लेने के बाद सरकार को हीनार्थ प्रबंधन करना पड़ता है, अर्थात इससे प्रचलन में मुद्रा की जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। ये हीनार्थ प्रबंधन का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं पारिश्रमिक प्रेरित स्फीति, जिसे हम लोग कहते हैं वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं इसे। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि श्रम संगठन एकजुट होकर के जब मजदूरी की दरों को बढ़वा लेते हैं तो उत्पादन लागतों में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण भी सामान्य मूल्य स्तर बढ़ने लगता है। इससे आगे हम लोग बात करते हैं मांग जनित मुद्रा स्फीति, जिसे हम लोग कहते हैं डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, जनसंख्या की वृद्धि कह दें, भयंकर बीमारी की आहट कह दें, आदि कई कारणों से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। इसके कारण वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होने लगती है और मांग में वृद्धि के कारण वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि को मांग जनित मुद्रा स्फीति कहते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय, जो आजकल बहुत बड़ा एक प्रभाव देखने को मिलता है, इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार जब युद्ध और योजनाओं पर व्यय करती है तभी देश की सुरक्षा तथा विकास संभव होता है। इसके अलावा अवसंरचनात्मक विकास पर सरकार बड़ी मात्रा में व्यय करती है, जिससे देश का आर्थिक विकास संभव हो सके। इस प्रकार सरकार को प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है या व्यय की बढ़ोतरी देखने को मिलती है, परंतु आय संसाधनों में आनुपातिक वृद्धि नहीं हो पाती है। सार्वजनिक व्यय में होने वाली वृद्धि से आय स्तर में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है तथा इनके मूल्यों में वृद्धि होने लगती है तथा मुद्रा स्फीति की दर जो है बढ़ जाती है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसे जो है सैमुएलसन और नॉर्डस ने भी स्पष्ट किया कि मुद्रा स्फीति से तात्पर्य सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि से है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो निर्यातों में वृद्धि की बात करते हैं, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स की बात भी करते हैं। अधिक मात्रा में निर्यात करने के उद्देश्य से जब उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है तो देश में सामान्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, इसके कारण लोगों की आय में वृद्धि हो जाती है तथा वे अधिक मांग करने लगते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में भी वृद्धि होने लगती है। स्थायी स्वरूप की यह वृद्धि देश में स्फीति की दर को बढ़ावा देती है। तो यहाँ ये जो स्थिति देखने को मिलती है, तो इसके अतिरिक्त प्रयोज्य आय में वृद्धि या व्यापारिक बैंकों के द्वारा अधिक मात्रा में साख निर्माण की बात या सार्वजनिक ऋणों में कमी, ये करारोपण में कमी, काले धन की अधिकता, बढ़ता निवेश स्तर आदि कई ऐसे प्रमुख घटक कहे जा सकते हैं जो मुद्रा स्फीति की दर में बढ़ोतरी करते हैं। केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंक दर में कमी करना या खुले बाजारों की क्रियाओं, ये आदि अनेक उपायों के कारण भी मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे जैसे परिस्थितियों के आधार पर, इनमें यदि हम लोग देख के चलें तो पहली स्थिति जो हमारे सामने आती है
युद्धकालीन मुद्रा स्फीति की बात सामने आती है, वार पीरियड इन्फ्लेशन जिसे हम लोग कहते हैं। युद्ध सामग्री 100% अनुत्पादक होती है ऐसा हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन देश की रक्षा के लिए अति आवश्यक होती है। इन अनुत्पादक वस्तुओं के आयात या निर्माण पर भारी मात्रा में व्यय किया जाता है, यह व्यय अप्रत्याशित होता है। ऐसे समय में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने को युद्धकालीन मुद्रा स्फीति कहा जाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं युद्धोत्तरकालीन स्फीति, जिसे हम लोग कहते हैं पोस्ट वार इन्फ्लेशन, जिसे कहते हैं युद्ध समाप्त होने के पश्चात देश की अर्थव्यवस्था युद्ध के समय की अचानक बिगड़ी अर्थव्यवस्था के कारण अनियंत्रित हो जाती है। ये कोरोना का काल भी उसी दौर में शामिल किया जा सकता है। तो सरकार को पुनर्निर्माण के लिए और उसी स्थान पर आने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठी करनी होती है। उत्पादन में आई कमी के कारण वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त जैसे महामारी आने पर देश में अनेक ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाने लगता है जिनका सामान्यतः प्रयोग नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भी सामान्य उपभोग्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये स्थिति हमारे मुद्रा स्फीति के फॉर्म की बात देखने को मिलती है। यहाँ जैसे हम लोग बात करते हैं कि मुद्रा स्फीति की दर को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसमें मुद्रा स्फीति की दर यदि मान लीजिए किसी भी वर्ष में ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए हम टी वर्ष में लेकर के चलते हैं, तो कीमत स्तर हमने टी वर्ष में ले लिया माइनस कीमत स्तर टी माइनस वन वर्ष में, अर्थात इससे पहले वर्ष में ले लिया, अपॉन कीमत स्तर टी माइनस वन वर्ष में मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला के द्वारा हम मुद्रा स्फीति की दर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे 2000 टी हमने मान लिया 2019 की वर्ष को, तो टी माइनस वन हमारा 2018 हो गया। अब मान लीजिए 2019 में कीमत स्तर का जो सूचकांक है वो 150 है और 2018 में हमारा 125 है। तो मुद्रा स्फीति के 2019 में यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 150 माइनस 125 अपॉन 125 मल्टीप्लाई 100, तो ये 20% आ जाएगा। तो इसका अर्थ है कि 18 की तुलना में 19 में जो सामान्य कीमत स्तर में 20% की बढ़ोतरी हुई, यही मुद्रा स्फीति की दर कहलाती है। अब हमारे सामने जो एक स्थिति देखने को मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं कि मुद्रा स्फीति की तीव्रता क्या है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लेशन जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसे कई रूपों में देखा जाता है। पहली स्थिति जो हम लोग बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि रेंगती हुई या साधारण स्फीति जिसे हम लोग कहते हैं, पहला कारण जिसे क्रेपिंग इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह मान लिया गया है कि यदि मुद्रा की मात्रा में 2% या उससे कम वार्षिक वृद्धि हो तो ऐसे रेंगती हुई या साधारण स्फीति कहेंगे या मुद्रा प्रसार कहते हैं। इस स्थिति से होने वाली मुद्रा स्फीति को साधारण कह देते हैं या स्वाभाविक मान लिया जाता है, जिससे किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं होती है। और ऐसा भी मान लेते हैं कि यदि यही अवस्था रही तो 25 वर्षों में जाकर के हमारे जो कीमतों की बढ़ोतरी है वो 50% के करीब बढ़ेगी। दूसरी जो व्यवस्था है वो चलता मुद्रा प्रसार, जैसे हम लोग कहते हैं मूविंग और वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये यदि साधारण मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह चलते हुए मुद्रा प्रसार में परिवर्तित हो जाता है, जिससे तेज गति में कीमतें बढ़ने लगती हैं। इससे कीमतों में वृद्धि लगभग 5% की देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की मुद्रा स्फीति में आर्थिक स्थिति धीरे धीरे जनता के लिए कष्टदायक होने लगती है और जनता ऐसा महसूस करने लगती है कि मानो उसकी जेब कोई अदृश्य जेब कतरा काट रहा हो। ऐसी स्थिति हमारे सामने चलता हुआ प्रसार की स्थिति में देखने को मिलता है। तीसरा जो हम लोग बात करते हैं भागती हुई स्फीति क्या है, जिसे कहते हैं रनवे इन्फ्लेशन। यदि चलते हुए मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह भागते हुए मुद्रा प्रसार में परिवर्तित हो जाता है और जिसमें अधिक तेजी से कीमतें बढ़ने लगती हैं, अर्थात इस अवस्था में कीमतों की वृद्धि लगभग 10% के करीब पहुँच जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीव्रगामी या सरपट दौड़ती हुई स्थिति क्या है, जिसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। जब मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर लगभग 15% या उससे अधिक हो जाए तो उसे सरपट या तीव्रगामी
मुद्रास्फीति कहते हैं। इस प्रकार की मुद्रास्फीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं कही जा सकती, अर्थात एक डामाडोल की स्थिति कही जाएगी, क्योंकि प्रतिदिन या प्रति सप्ताह मुद्रास्फीति होती है और वस्तुओं के मूल्य में प्रतिदिन ही नहीं, कभी कभी तो प्रति घंटों के बाद भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसका कारण, इसका परिणाम ये होता है कि देश की मुद्रा एवं मूल्य व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगती है, जनता का मुद्रा पर से विश्वास हटने लगता है और सर्वत्र अशांति और असंतोष का वातावरण पैदा हो जाता है। दैट्स ऑल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम पर बात करें।